वहीं बरेली जिले के बारादरी थाना क्षेत्र में भ्रूण लिंग की जांच को लेकर हरियाणा की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि 25,000 रुपये लेकर निजी अस्पताल में भ्रूण लिंग का जांच किया जा रहा था। वहीं टीम ने एक निजी अस्पताल को सील कर आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। शिकायत मिलने के बाद से हरियाणा से आई टीम ने यह कार्रवाई की है। वहीं टीम ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये शिकायत मिली थी कि यहाँ पे लिंग की जांच होती है बरेली में, और आज हमने उसका डिकॉय ऑपरेशन किया जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। और उसके बाद जब उसको गंभीरता से चेक किया तो उसमें और कई त्रुटियां कमियां भी मिली हैं, चाहे वो फार्म एफ की हैं, चाहे वो मशीन रजिस्ट्रेशन की हैं, कई तरह तरह की भिन्न प्रकार की इसमें त्रुटियां भी मिली हैं। तो बेसिकली यही था कि लिंग जांच का एक भंडाफोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत हम ये इसमें कार्य करते। बरेली जिले के बारादरी थाना क्षेत्र में भ्रूण लिंग की जांच को लेकर हरियाणा की टीम छापे की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि 25,000 रुपये लेकर निजी अस्पताल में भ्रूण लिंग की जांच की जा रही थी। और अधिक जानकारी के साथ शशांक राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, क्या है पूरा मामला और किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भ्रूण की जांच करने के मामले में पीलीभीत बाईपास स्थित कोपल अस्पताल का मामला है, जहां पर फरीदाबाद की टीम ने छापा मारा है कोपल अस्पताल पर। अब तक क्या कुछ निकल कर आ पाया है कि कितने यहां पर भ्रूण के साथ साथ क्या यहां पर अबॉर्शन जैसे जो गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा था, या अभी तक भ्रूण परीक्षण कितने लोगों का किया जा चुका है? कोई डिटेल अब तक सामने आ पाई है? कब से ये अपने कामों को इस तरह के अंजाम दे रहा था हॉस्पिटल? मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे मामले में फरीदाबाद की टीम ने आकर छापा मारा था। बरेली के लोकल प्रशासन ने इसमें कोई छापेमारी का काम नहीं किया। बरेली में और इस तरीके के भ्रूण लिंग के जांच के अस्पताल चल रहे हैं, जिन पर कार्रवाई का मामला अब आगे की जाएगी, बताया जा रहा है। जानकारी के लिए शुक्रिया शशांक। और ये थे हमारे सहयोगी शशांक, जिन्होंने जानकारी दी है कि कोपाल हॉस्पिटल जो वहां पर स्थित है उस पर ये भ्रूण जांच की जा रही थी। ऐसी जानकारी फरीदाबाद टीम को लगी थी, जिसके बाद फरीदाबाद की टीम ने आकर यहाँ पर जांच की और जब कुछ तथ्य सही पाए गए तो अस्पताल को सील कर दिया।